हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग सौरभ एंड साक्षी व्लॉग्स। और सुबह सुबह हम लोग उठ के आए हैं पार्क में और यहाँ पे मैंने अपनी जॉगिंग कंप्लीट कर ली। अभी आपको दिखाया था कि साक्षी इस शेड के अंदर बैठ के योगा कर रही थी और अभी वो इधर उधर टहल रही है और हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर पर। ये देखिए, साक्षी जो है इस गार्डन में घूम रही हैं, टहल रही हैं। और ये था वो शेड जहाँ बैठ के ये योगा कर रही थी अभी। अब हम लोग वापस चल रहे हैं। हेलो, क्या बन रहा है आज? पराठे सब्जी। पराठे, ओके, वाह। ये ट्रायंगल वाले पराठे, सादे वाले पराठे और सब्जी, परवल आलू की सब्जी। ये बना है आज नाश्ते में। आज पोहे नहीं बने हैं, आज सब्जी बनी है। और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो पिछला ब्लॉग जाके देखे। पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। और इधर क्या, इधर चाय रखी हुई है। चलो ठीक है, अभी मेरे को जाना है, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना है, उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। Many hours later. Hello friends, शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं 7:30। और अभी हम लोग, मैं और साक्षी, हम दोनों गए थे इवनिंग वॉक की हमने। मैंने अपना काम खत्म किया, उसके बाद फिर हम लोग इवनिंग वॉक करने के लिए गए। इवनिंग वॉक करने गए थे तो जहाँ पे हम वॉक करने जाते हैं वहाँ पे पास में ही वो बीकानेर स्वीट शॉप है, तो वहाँ से हम लोगों ने अभी आज कुछ चीज़ें ली हैं। एक तो वहाँ पे गर्म गर्म समोसे तल रहा था तो हमने समोसे पैक करा लिए थे। उसके अलावा हमने वो लिया है, क्या कहते हैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा नाम, बेसन के लड्डू का दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये बेसन के लड्डू जो हमने लिए हैं। और अभी फ़िलहाल इस समय मीठे में कुछ था नहीं घर में, तो ये बेसन के लड्डू ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब जो मतलब मुझे भी पसंद है, साक्षी को भी पसंद है और ठीक लगता है खाने में। और यहाँ पे जो पास में हमारे घर के एक शॉप है बीकानेर स्वीट्स कॉर्नर, तो यहाँ पे ये बेसन के लड्डू बहुत ही अच्छे देता है, तो ये हम आज लेकर आए हैं। हेलो गाइज, तो हम लोग अब डिनर की तैयारी हो रही है हमारे यहाँ। और आज क्योंकि हम लोग ने अभी समोसे भी खाए थे शाम को, आपको दिखाया था, तो आज कुछ लाइट बनेगा, ज़्यादा कुछ खाने का मन हो नहीं रहा था, तो लाइट कुछ खाने का मन था, तो आज साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। आलू भी पड़ेगा साक्षी? हाँ, साबूदाना और आलू, टमाटर, अच्छा मतलब सब कुछ मिला उला के बनेगा, तो काफी टेस्टी भी लगता है। ओके, व्रत वाला आइटम है बेसिकली, व्रत वाला आइटम टाइप का कुछ बनेगा, सादा सादा, तो लाइट भी रहेगा और ठीक है, हेल्दी भी रहेगा, थोड़ा मसाला वसाला भी नहीं रहेगा और टेस्टी भी लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है साबूदाने का जो भी वो बनता है। खिचड़ी कहना तो गलत होगा मेरे ख्याल से, लोग कहते हैं साबूदाने की खिचड़ी, पर खिचड़ी नाम सुनते ही ना मुझे ऐसा बीमारों वाला खाना ऐसा माइंड में आ जाता है, पर ये तो बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसको मैं खिचड़ी तो नहीं बोलता हूँ कभी भी। टमाटर और सब कुछ साक्षी काट रही है। कल के लिए क्या, कल के लिए, अच्छा कल, हाँ दोस्तों कल जो है दाल के पराठे बनेंगे। ये सुबह बनेंगे या शाम को बनेंगे? सुबह सुबह बनेगा, दादी का श्राद्ध है। अच्छा, कल वो पितृ पक्ष का समय चल रहा है ना, ये तो कल दादी लोगों के लिए होता है ना, हाँ। जो होता है, तो फिर कल इस लिए हमारी दादी के लिए बनेगा ये दाल के पराठे। और कल जब ये दाल के पराठे हम खाएंगे तो हम आपको अपनी दादी की फोटो दिखाएंगे और उनके बारे में भी थोड़ा कुछ आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी दादी भी हमारा ब्लॉग देख रही होंगी कल। फ्रेंड्स देखिए, ये साबूदाने की खिचड़ी ये तैयार है और कितनी टेस्टी लग रही है। और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा सर्विंग अपने नए प्लेट में, जो कि आज ही आया है। आज ही ये सेट ऑफ प्लेट्स आए हैं, 6 के सेट, येलो कलर के, और देखिए कितना खूबसूरत है ना। और फिलहाल ये जो साबूदाने की खिचड़ी, ये भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और अब मैं खाने जा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि कितना टेस्टी भी है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं और साक्षी बैठ गए थे इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाने के लिए।
और हमने फिर से एक बहुत ही ज़्यादा फनी रील शूट किया है जो कि अगेन वो कोकिला और राशि वाला था। तो लास्ट टाइम जो हमने बनाया था उसको सबने बहुत पसंद किया, हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग आर रील। और एक नया रील आप सभी लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं जो कि मैंने कल ही यूट्यूब पे भी डाला और हमारे इंस्टाग्राम पर भी है, वो आप जाके देख सकते हैं। और जिससे नहीं देखा उसके लिए हम लोग इस वीडियो के एंड में वो रील डाल रहे हैं वो वीडियो, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए और आखिरी में वो रील्स भी आपको फ़नी वाली मिल जाएगी। और ये जो पूरा प्रोसेस था वीडियो शूट करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हमेशा हम लोग एक्चुअली रील्स जो बनाते हैं उसका आउटकम तो मज़ेदार होता है, लेकिन वो जो प्रोसेस होता है जब हम लोग इसको शूट करते हैं, वो जो ज़रा सी अराउंड आधे मिनट की रील के लिए हम लोग जो लगभग आधे घंटे तक थोड़ी सी मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो मैं बिहाइंड द सीन आपको इसीलिए इसमें दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी दिखे कि हम लोग क्या क्या करते हैं, और बहुत मज़ा आता है ये पूरा प्रोसेस जो होता है, ठीक है। और उसका आउटकम तो ऑब्वियसली अच्छा होता ही है, तो आप लोग ज़रूर ये वीडियो देखिए और ऐसे ही बहुत सारे रील्स हम बनाते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए और मुझे और साक्षी हम दोनों के ही चैनल्स पे आपको रील्स मिल जाएंगी, और उसको देखिए और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करिए। फिलहाल आप लोग अब आगे देखिएगा हमारा ये फाइनल रील का जो आउटकम निकल के आया है वो। राशि, खीर बन गई? जी काकी जी, बस लगभग हो ही गई। लगभग? तुम्हारे हर काम में ये लगभग लगभग क्या चलता रहता है? आज घर में विशेष मेहमान आने वाले हैं और तुम लोग डांडिया खेल रहे हो। अक्कल न थी? अब जाओ जी।